मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वतंत्रता दिवस पर एक आसान निबंध। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है, इसलिए हर भारतीय के लिए यह दिन बहुत महत्व रखता है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और 14 व 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। दिल्ली के लाल किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत के झंडे का अनावरण किया और भाषण दिया। पूरे राष्ट्र ने उन्हें अत्यंत खुशी और संतुष्टि के साथ सुना। तब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। इसके साथ ही तिरंगे को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तरों कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। स्कूल कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और रानी लक्ष्मीबाई आदि कई स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। कुछ भारतीय पतंग उड़ाकर तो कुछ कबूतर उड़ाकर आज़ादी मनाते हैं। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाना भारत के इतिहास को जिंदा रखता है और आज़ादी का सही मतलब लोगों को समझाता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।